गणेश कंप्यूटर लॉकडाउन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 4 की वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड 2007, 10, 13, 16 के अंतर्गत आने वाले होम टैब के बारे में। होम टैब में आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ब्लॉक, और पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, शॉर्ट, सो हाइट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग एंड बॉर्डर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे बुलेट्स का, ये देखिए। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ बना लेते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कैसे बनाया जाता है। ये फॉर्मूला है इक्वल टू आर ए एन डी, और ब्रैकेट में हमको जितना पैराग्राफ चाहिए, जैसे हमको 5 पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिख दिए। और आपको अगर कम लाइन वाले पैराग्राफ चाहिए तो कॉमा करके 1 भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये लगभग 1.5 लाइन का पैराग्राफ आ चुका है, 5। और यहाँ पर हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और बुलेट्स की ये छोटा सा बटन जो एरो का दिया है यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स दिया हुआ है। अगर इसमें से कोई बुलेट आपको पसंद नहीं आता है, देखिए जहाँ हम कर्सर रख रहे हैं वहाँ पैराग्राफ के स्टार्टिंग में वैसा बुलेट्स आ जा रहा है। ये देखिए मैं कर्सर को अलग अलग बुलेट्स में रखते जा रहा हूँ, वहाँ पर पैराग्राफ पर बुलेट्स चेंज होते जा रहा है। आपको जो बुलेट यहाँ से अगर ठीक लग रहा है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके उस बुलेट को ला सकते हैं। और अगर ये बुलेट आपको सही नहीं लगता है, आपको नई बुलेट चाहिए यहाँ पे, तो एक ऑप्शन दिया है ये डिफाइन न्यू बुलेट्स करके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे रहा है बुलेट्स कैरेक्टर करके, पिक्चर में चाहिए, फॉन्ट में चाहिए या सिंबल में चाहिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप सिंबल में क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप से बुलेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे स्टार का बुलेट आपको चाहिए तो यहाँ स्टार पर क्लिक कर दिए, और ओके करने के बाद यहाँ पर एक बार और ओके करेंगे तो यहाँ स्टार का बुलेट आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे ये बुलेट सेक्शन में ऐड हो चुका है स्टार। तो ऐसे करके आप बुलेट्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और अलग अलग टाइप से यहाँ पे पैराग्राफ में लगा सकते हैं। पैराग्राफ के अतिरिक्त अगर आप ऐसा नाम लिखे हैं कहीं पे, जैसे 5-6 नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर सब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम बुलेट्स यहाँ से लगा देंगे। और जैसे ही अगला नाम टाइप करने के लिए हम एंटर बटन दबाएँगे कीबोर्ड से, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बुलेट आते जाएगा। जैसे हमने ये नया नाम लिख दिया और ये नया नाम हमने लिख दिया, तो ऐसे करके हम जितना बार एंटर दबाएंगे नई बुलेट्स आते जाएगी यहाँ पे। और हमको जब भी बुलेट इसका चेंज करना होगा, हम ये पूरा सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को और यहाँ से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं इसको। ये कभी भी चेंज हो जाएगा ये बुलेट यहाँ से। अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो ये नन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बुलेट्स हट जाएगी यहाँ से। इसके बाद देखते हैं अगला सेक्शन नंबरिंग का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ भी जैसे बुलेट वहाँ दिया हुआ था वैसे यहाँ नंबर दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के। आपको जो यहाँ से चाहिए नंबर वो आप कर सकते हैं। जैसे आप 01 वाला नंबर चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको 1, 2, 3 चाहिए, 0 नहीं लगाना है सामने में तो ये नीचे दिया है ऑप्शन, ब्रैकेट लगाना है तो यहाँ पर दिया है, रोमन संख्या में लिखना है तो ये दिया है, ABCD के हिसाब से लिखना है तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए मैं जहाँ पे कर्सर रखते जा रहा हूँ वहाँ पैराग्राफ में चेंजेस होते जा रहा है ये अलग अलग। अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ भी ये डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाके आप ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा कैटेगरी दिया है, जैसे हमने बुलेट्स ऐड किया था वैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये आने लगेगा ये सब। इसके बाद दिया है ये मिक्स, मतलब ये मल्टीपल है एक्चुअल में। इसका नाम अगर आपको जानना है थोड़ा देर कर्सर वहाँ पे रख दो, ये मल्टी लेवल लिस्ट इसका नाम है। यहाँ से क्या यूज करते हैं, जैसे हमको पैराग्राफ के अंदर कोई सेक्शन बनाना है तब यूज करते हैं। समझने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं, और ये देखिए एक सेकेंड ऑप्शन दिया है, 1 ब्रैकेट दिया है, फिर ए ब्रैकेट दिया है, फिर रोमन संख्या में लिखा हुआ है ब्रैकेट। इसको क्लिक करके देखते हैं, ये 1 आ गया यहाँ पर 1 ब्रैकेट करके। अब ये 1 ब्रैकेट जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमको अगर
कोई सेक्शन बनाना है या फिर चैप्टर बनाना है, तो हम जैसे इसके अंदर चैप्टर बनाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे चैप्टर वन लिख दिया। लेकिन ये तो वन के बाद टू लग रहा है, तो ये हमको टू नहीं दिखाना है, हमको इसको अलग साइन में दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया है, एक दिया है डिक्रीज इंडेंट का और एक दिया है इंक्रीज इंडेंट का। तो हम इंक्रीज इंडेंट में इसको क्लिक करते हैं तो ये आगे खिसक जाता है, और देखिए ये चेंज भी हो गया, ए हो गया यहाँ पे। तो एक नंबर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जो ए आया है वो चैप्टर वन है यहाँ पे। अब चैप्टर वन के अंदर भी हमको कुछ लिखना है, मान लो लेवल वन लिखना है यहाँ पे, तो ये लेवल वन लिख दिए यहाँ, और इसको भी एक इंक्रीज इंडेंट क्लिक करके आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए चैप्टर के अंदर हमको ये वन नंबर लेवल वन है इसका, लेवल अगर टू बनाना है हमको तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लेवल टू बन गया, और यहाँ फिर पेस्ट करके लेवल थ्री बना सकते हैं, और अगर आपको चौथा नहीं बनाना है तो इसको डिलीट कर सकते हैं आप। ये तो हमने यहाँ पे सीखा, एक नंबर पैराग्राफ के अंदर हमने एक चैप्टर बनाया ए नाम से, और उसके अंदर तीन लेवल बनाए रोमन संख्या में ऐसा करके। तो ये सब बनाने के लिए आपको ये मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग करना पड़ता है, तभी आसानी से आप बना सकते हैं। वैसे ही दो नंबर के अंदर अगर हमको अब बनाना है तो यहाँ पे भी हम इसको आगे खिसका देंगे, देखिए ये ए आ गया यहाँ पे, और इसका चैप्टर वन अलग बन जाएगा यहाँ पे, ये चैप्टर वन। और इसके अंदर फिर लेवल बनाना है तो यहाँ पे फिर से एंटर करके यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करेंगे तो ये रोमन संख्या में आ गया, यहाँ पे आप आराम से लेवल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको जानना है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का और क्या यूज है, तो यहाँ से हम नीचे में तीन पैराग्राफ जो दिया है यहाँ से नंबर हटा देते हैं, नन कर देते हैं, और ये पूरे पैराग्राफ को अगर हमको हम आगे खिसकाना है तो स्पेस से तो हम खिसका नहीं सकते, यहाँ इंडेंट से खिसका सकते हैं इसको, इंक्रीज इंडेंट से। ये देखिए यहाँ पे जितना बार क्लिक करेंगे ये पैराग्राफ उतना बार ही राइट की ओर खिसकते चलेगा, और अगर हम डिक्रीज इंडेंट को क्लिक करेंगे तो ये वापस आएगा। तो हमको जब भी पूरे पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को या दो पैराग्राफ को, ये देखिए मैंने दो पैराग्राफ भी सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो भी ये आगे की ओर ये खिसकेगा दोनों पैराग्राफ, और डिक्रीज इंडेंट में क्लिक करूँगा तो ये पीछे आएगा यहाँ। अगला ऑप्शन है सॉर्ट, ये देखिए सॉर्ट है अगला ऑप्शन। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ है, ये नाम देखिए ये अल्फाबेटिकली जमा हुआ है, ये नाम ए बी सी डी के हिसाब से। अगर हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब उल्टा करना है, तो यहाँ सेलेक्ट करके सबको सॉर्ट में जाएंगे यहाँ, और यहाँ से ये देखिए असेंडिंग में भी टिक लगा है, इसको डिसेंडिंग कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी ऊपर में सबसे टॉप में आकाश लिखा है, अमितेश लिखा है, फिर भास्कर है, तो ये उल्टा हो जाएगा, सुमन ऊपर आ जाएगी और ये रोहित, उसके बाद फिर नमन। ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर फिर से इसको असेंडिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम फिर से इसको असेंडिंग में टिक लगा के ओके करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसी प्रकार हम नंबर को भी कर सकते हैं, ये नंबर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है अभी, इसको डिसेंडिंग करना है तो यहाँ सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी नंबर आ गया है, डिसेंडिंग में टिक लगाएंगे और ओके करेंगे, देखो नंबर 5 4 3 2 1 उल्टा हो गया यहाँ पे। और इसको अगर असेंडिंग करना है तो फिर से यहाँ क्लिक करके असेंडिंग में टिक लगाएंगे और ओके कर देंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसके बाद सो हाइट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए सो हाइट का ऑप्शन। समझने से पहले हमको किसी वर्ड को कैसे हाइट करते हैं इसको समझना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ पे दो नाम हाइट करना है, अमितेश और भास्कर को, तो सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और देखिए फ़ॉन्ट सेक्शन में यहाँ पे एक छोटा सा एरो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हिडन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। लेकिन ये टिक और ओके लगाने से पहले आप सेलेक्ट कर लेना पर्टिकुलर वर्ड को, तभी ये हाइड होगा। हमने अमितेश और भास्कर को सेलेक्ट किया है यहाँ से, और हिडन में यहाँ टिक लगाया है और ओके कर देते हैं। ये देखिए अमितेश और भास्कर हाइड हो चुके हैं।
अब यही हाइड हुआ वर्ड को हमको देखना है अगर, तब इस बटन का यूज करते हैं शो हाइड को। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अमितेश और भास्कर अभी शो हो रहा है, और जैसे ही वहाँ पे वापस क्लिक करेंगे ये फिर से हाइड हो जाएगा। मतलब अगर कोई वर्ड यहाँ पे हाइड है आपके एमएस वर्ड फाइल में, तो यहाँ से आप उसको शो कर सकते हैं और दोबारा हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर हमको ये जो हाइड किए हैं उसको हटाना है, तो फिर से फ़ॉन्ट सेक्शन के इस बटन में जाएंगे और यहाँ हिडन से टिक हटा के, लेकिन उसके लिए पहले हमको फिर से यहाँ सेलेक्शन करना पड़ेगा। ये देखिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बीच में है तो ये, और यहाँ पे टिक लगाएंगे, और ये देखिए हिडन में एक छोटा सा बिंदी आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और ये टिक हटा देंगे और ओके करेंगे, तो हमारा जो हाइड हुआ वर्ड है वो आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार आप किसी भी हाइड वर्ड को यहाँ से देख सकते हैं और उसको दोबारा हाइड कर सकते हैं। अगला सेक्शन है ये अलाइन का, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई पैराग्राफ में, इसको समझते हैं हम। देखिए जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पैराग्राफ लाते हैं या टाइपिंग करते हैं, तो इसका जो ये सेक्शन है अलाइन का, ये लेफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे कि ये देखिए इसका लेफ्ट साइड मार्जिन ये स्ट्रेट है, लेकिन इसका राइट का जो मार्जिन है ये स्ट्रेट नहीं है। इसको भी अगर हमको सही करना है तो यहाँ जस्टिफाई का बटन दिया रहता है, लेकिन इससे पहले हम लेफ्ट के बाद सेंटर को देख लेते हैं। अगर हम सेंटर में क्लिक करते हैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, तो ये देखिए सारे वर्ड सेंटर में आ रहे हैं, इसलिए लेफ्ट का मार्जिन भी बिगड़ गया है और राइट का भी मार्जिन बिगड़ा हुआ है। अगर हमको दोनों साइड के मार्जिन को एक साथ ठीक करना है, तो यहाँ जस्टिफाई में क्लिक करेंगे हम, ये देखिए। और यहाँ अगर सिर्फ राइट का मार्जिन को ठीक करना है आपको, तो यहाँ पे राइट में क्लिक करेंगे। राइट में क्लिक करने से राइट का मार्जिन ठीक होगा बट लेफ्ट का बिगड़ जाएगा, इसीलिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं ताकि दोनों साइड का मार्जिन ठीक रहे। और अगर आपके पास हेडिंग है तो उस हेडिंग को लेफ्ट में रखना चाहते हैं आप, तो आपका जो अलाइन रहेगा वो लेफ्ट साइड रहेगा, और सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंटर में एक बार क्लिक करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा। कई लोग सेंटर में लाने के लिए यहाँ टैब या स्पेस बटन का यूज करते हैं, ऐसे करके सेंटर में लाते हैं स्पेस बटन का यूज करते हुए। हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आता है वो। इसके लिए हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से सेंटर अलाइन को क्लिक करना है, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको राइट में रखना है हेडिंग को, तो राइट अलाइन को क्लिक करिए, ये राइट साइड में आ जाएगा, और लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट को क्लिक करिए। तो इस प्रकार आप अपना पैराग्राफ और हेडिंग को इस अलाइन के माध्यम से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पैराग्राफ के हर लाइन के बीच में स्पेस चाहिए, तो यहाँ अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग ये मेजरमेंट दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप लाइन का स्पेस यहाँ बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको 1.5 स्पेस देना है वहाँ पे लाइन के बीच में, तो इसको क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ लाइन के बीच में 1.5 का स्पेस आ चुका है। अगर आपको 2.0 का चाहिए तो 2.0 में क्लिक कर दीजिए, ये 2.0 का स्पेस आ गया। यहाँ पे 2.5 भी दिया है, 2.3.0 भी दिया हुआ है, और इसको फिर से 1.0 करना है तो आप फिर से 1.0 में क्लिक कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको पेज सेटिंग कर रहे हैं और आपको 1.3 या 1.7 या 1.2 के गैप की ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ स्पेस की, तब आप कैसे करेंगे? तब आप यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से देखिए ये जो स्पेसिंग ऑप्शन है यहाँ पे, पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर को यहाँ से 0 PT कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, नहीं रहेगा तो 0 PT कर दीजिएगा, और लाइन स्पेसिंग में सिंगल ही रहेगा ये। इसके बाद यहाँ पे 8 में हम मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देंगे जितना हमको चाहिए। जैसे 1.3 का गैप चाहिए वहाँ पे स्पेस चाहिए, तो 1.3 यहाँ टाइप करके ओके कर देंगे, तो ये 1.3 का यहाँ पे स्पेस आ चुका है। अगर हमको यहाँ 1.7 का चाहिए, तो यहाँ हम मैनुअली 1.7 टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये 1.7 का यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। और अगर स्पेस नहीं चाहिए तो आप 1.0 यहाँ से कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये शेडिंग का। अगर आपको किसी पैराग्राफ में या लाइन में या वर्ड में किसी कलर का शेड देना है यहाँ पे, तो इसका यूज कर सकते हैं।
जैसे हमको यहाँ येलो कलर का शेड देना है, इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं आप। ये पैराग्राफ येलो कलर में शेडिंग हो चुका है। ये हाईलाइट जैसे आपको लग रहा होगा, बट हाईलाइट और शेडिंग में फर्क होता है। क्या फर्क है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सेकेंड पैराग्राफ को हाईलाइट करता हूँ यहाँ से, ये तो ये दोनों में अंतर ये है कि ऊपर जो हमने शेडिंग दिया है वो कलर टेक्स्ट के पीछे आया है, मतलब पीछे में है वो शेड, मतलब परछाई होता है उसके पीछे आ रहा है, और हाईलाइट टेक्स्ट के ऊपर रहता है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये ऊपर आया है या फिर पीछे गया है? तो यहाँ से हम एक और पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं और दूसरे कलर के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि ये आगे आ रहा है कलर या पीछे आ रहा है। जब हम इसको देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ को हम यहाँ पे ब्लैक का सेट देते हैं। जैसे ही ब्लैक का सेट देंगे फ़ॉन्ट का कलर देखिए अपने आप वाइट हो गया है। इसका मतलब क्या है? जब हम शेडिंग दे रहे हैं तो कलर पीछे साइड में आ रहा है, और यहाँ पे हम सेकेंड पैराग्राफ में ब्लैक हाईलाइट देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो हमको ये टेक्स्ट कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? टेक्स्ट का कलर जो है वो ऊपर आ गया है। तो हाईलाइट में टेक्स्ट का कलर ऊपर आता है, टेक्स्ट में जो कलर पड़ा है वो ऊपर आता है, और शेडिंग में पीछे जाता है। तो यही अंतर है ये टेक्स्ट और शेडिंग में, हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट और शेडिंग में। इसके बाद देख लेते हैं हम बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे। ये देखिए पहले पैराग्राफ में हमको अगर बॉर्डर देना है तो यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे हमको बॉटम में एक बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर में क्लिक कर देंगे। देखिए बॉटम बॉर्डर में क्लिक करते ही एक बॉर्डर आ गया है नीचे में। अगर हमको टॉप में भी चाहिए तो हम टॉप में क्लिक कर देंगे, तो ये टॉप और बॉटम दोनों में बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे। और अगर हमको लेफ्ट और राइट में भी चाहिए तो सेलेक्ट करके हम यहाँ से लेफ्ट और राइट में भी एक एक बॉर्डर दे सकते हैं। ऐसा करके बॉर्डर आप दे सकते हो। अगर आपको ये बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा है, इसका पैटर्न बदलना है, तो नीचे में ऑप्शन दिया है बॉर्डर इन सेटिंग का, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ से डिज़ाइन इसका बदल सकते हैं। जैसे आपको ये वाला बॉर्डर चाहिए या ये पतला वाला चाहिए, डैश वाला चाहिए यहाँ से, तो ये ले सकते हैं आप। इस प्रकार का बॉर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पैराग्राफ के सारे ऑप्शन यहाँ पे समाप्त तो होते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें कमेंट डिसेबल हो गया था, उसको मैंने अनेबल कर दिया है। अब आप लोग आसानी से वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय।